हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल, आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल चलिए भाई जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि मेरे को जाकर के चेक करना है। एक फ़ोन आया है अलीना का, उसने बोला है ड्राइवर सर घर पर निकलिए, रोज़ा शायद से घर पर ही है। उसका फ़ोन नहीं लग रहा, मैं देख नहीं पा रही कहाँ पर है वो, कैमराज भी ठीक से काम नहीं कर रहे आपके घर के, क्योंकि माइकल गुस्से में है बहुत। मुझे नहीं पता क्यों इन्फॉर्मेशन ये आई है कि माइकल रोज़ा को जान से मारने वाला है एंड और भी बहुत सारे काम करने वाला है माइकल बहुत गुस्से में आज। मैंने बोला क्या हो गया माइकल को, सस्ते नशे ज़्यादा कर लिए इसने आज, ये बोल रहे सर मुझे नहीं पता, पर अब जाइए नहीं तो आपकी फ्रेंड मर जाएगी। मैंने बोला ऐसे कैसे मर जाएगी, तो ठीक है घर पर निकलता हूँ। क्या आप लोगों को बताइए यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माइकल यार भिंडी बाजार की तरह पीट डाला उसने, अब नमूना पिटने के लिए जाएगा तो ऐसा तो होगा ही ना, क्योंकि वो लड़की पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जानता, इसलिए उसके बारे में बात करना कोई फायदा नहीं है। जब कुछ होगा देख लेंगे, तब की तब देखेंगे, फिलहाल जो हो रहा है देखते रहिए आप। तो ठीक है आगे बढ़ते, मेरा घर ये रहा, मेरा सोने का चमचमाता घर, अमेजिंग लेवल। चलिए ड्राइवर भैया लैंडिंग कराइए, बहुत बढ़िया। रोजा जी किधर हो जी, आपके ऊपर हमला होने वाला है, माइकल नाम का एक नमूना आने वाला है, वैसे वो पिटाई खा के जा भी चुका है, क्या ही बोले, इसलिए तो गुस्से में बहुत ज़्यादा। हेलो रोज़ा, घर के बंदों से बातें करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर है रोज़ा, सारी चीज़ें। हेलो मेरे प्यारी पेट होगी बेटी, कैसा है, ठीक है ना, खाना खाएगा, अभी तल्ले बनवाता हूँ बढ़िया सा खाना। तो ठीक है चलिए जल्दी से चेक करता हूँ, प्यारा देख रहे हो, प्यारा प्यारा डॉगी, एक डॉगी ले लूँ, अडॉप्ट कर लेते, क्या दिक्कत है, घर पर रहेगा कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे, ज़्यादा प्यार करेंगे तो बंदे किडनैप कर लेते हैं, उसको नॉर्मल छोड़ दें घर के पहरेदारी के लिए, उसके साथ कुछ सिखाएंगे नहीं कुछ नहीं करेंगे, बस वो घर पर घूमा करेगा, क्योंकि जब कोई प्यारी चीज़ होती है मेरी उसके ऊपर अटैक होता है। बट अगर दुश्मनों को ऐसा लगेगा कि ट्रेवर के लिए सिर्फ ये गार्ड है घर पर रहता है कोई प्यारा व्यारा नहीं है, तो उसके ऊपर अटैक नहीं होगा, ये पॉइंट है। और ऊपर से मैंने एक नया घर भी देख के रखा है भाई, तो मुझे लगता है चलिए बहुत दिन हो गए ले लेते हैं, हमारा प्यारा डॉगी यहीं पर रहेगा घूमा करेगा, क्या दिक्कत है, सोचता हूँ, कन्फर्म नहीं है सोचता हूँ। ठीक है चलिए निकलते हैं, तो मिल से फोन आया है निकलना पड़ेगा, मैंने आपको बोली थी माइकल थोड़ा गुस्से में, अली ने मेरे को पहले ही बता दिया, मेरे को वजह नहीं पता गुस्से में क्यों है, वजह हमें पता है क्योंकि माइकल भैया ने पिटाई खाई है, वो भी एक लड़की से, तो माइकल भैया को बर्दाश्त नहीं, ऊपर से पता नहीं क्या चल रहा है, बुक तो अब उसको समझा रही होगी माइकल ऐसा ना करना, बुक जानते हैं इसके मतलब बहुत सारी चीज़ें, बुक बहुत चालू है वो तो मुझे पता ही है। चलिए ड्राइवर जी आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। तो 100 मील देखकर थोड़ा पीछे ही पड़ने वाला है, इस पहाड़ के पीछे जाएंगे तो हम लोग 100 मील देख सकते हैं। ठीक है 2 मिनट लगेंगे, पहुँचता हूँ, पहुँच चुका हूँ 100 मील पर। अच्छी बात पता क्या है, मैं कुछ ही बंदे थे तो इसलिए ऐसा दुख नहीं है, बट भाई पता नहीं आगे और क्या क्या माइकल करने वाला है, यहाँ पर तो कम ही बंदे मारे, आगे पता नहीं कितने मार देगा। ये मेरे बंदे यहाँ पर नजर रखने वाले थे, मेरे बहुत बंदे आजकल लॉस एंजेलस में यहाँ पर रहते हैं, खबर निकालते हैं सारे काम करते हैं, हमारे बिजनेस को संभालते हैं, दुश्मनों को परख करते हैं कि आज हमारा कौन दुश्मन है, करंट गैंग का मेंबर कौन दुश्मनी कर रहा है ड्राइवर से, मतलब ड्राइवरिंग के ऊपर नजर रखवाता है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल अब कुछ बंदे मर जाते हैं कुछ नहीं मरते, वही बड़ी दिक्कत होती है बहुत बार। तो यहाँ पर केबल कार में देख रही हो, देखो इसके ऊपर लैंड करना थोड़ा डेंजरस है क्योंकि बहुत कम है, ड्राइवर भैया को चोट लग सकती है, ड्राइवर भैया ट्राई करो बस बढ़िया, अरे भाई हो गई देखो ज़्यादा स्पीड में करता है तो रुक गई लो भाई, गाड़ी खराब हो गई, अरे रे 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 मेरी प्यारी केबल कार क्या हो गया तेरे को, इसका तो नेता बना दिया मैंने, लगता है ख़राब हो गई, चलो खैर कोई बात नहीं, पर ठीक है चलिए निकलते हैं यहाँ से एंड देखते हैं माइकल और क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जल्दी मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूँगा। ड्राइवर निकल भाई, एक और इन्फॉर्मेशन आई है, बहुत बंदे मर गए वहाँ पर। माइकल भाई क्यों पिटाई का काम कर रहे हो, हम नहीं चाहते आपका सर फोड़ दे पहली फुर्सत में, क्यों नहीं मान रहे हो, माइकल ही कर रहा है सारे के सारे काम वहाँ करके, कन्फर्म हो चुका कैमराज वाले ने देख के बताया अभी, माइकल ने मेरे बहुत बंदे फिर यहाँ पर मार दिए, बहुत सारे बंदे यहाँ पर मर गए मेरे बेचारे भाई, कर रहे होंगे अपना काम, मैंने फिर बोला सारे काम मुझे बता के नहीं करते, जो भी करते हैं ट्रैवल की भलाई के लिए करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालना डील करना ये करना वो करना खबरियों को ढूंढ ढूंढ के मारना, बहुत काम हम लोग इनको दे के रखते हैं, वो सब करते रहते हैं, ये सारी चीज़ डगन संभालता है, आपको बताइए डगन मेरा पार्टनर है तो चीज़ संभालता है, बट यार ये चीज़ें बुरी हो रही है। माइकल अपना दोस्त ऐसे काम करता है तो बुरा होता है, तो एक काम करता हूँ माइकल को ठीक है कैसे करें, वो बुक ख़त्म करनी पड़ेगी और बुक को ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, और वो माइकल को छोड़ेगी नहीं, इतनी बुरी सिचुएशन फंस गया हूँ भाई मैं, मतलब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता मैं, बुक को तो ख़त्म करना इम्पॉसिबल आपको बताइए, और बुक माइकल को छोड़ना नहीं चाहती, पता नहीं क्या है, अगर बुक चाहे अपनी मर्जी से तो माइकल बच सकता है, बट वो क्यों चाहेगी, खतरनाक बुक है ना। नो गॉड के बॉस का फोन आया, बोल रहा है ड्राइवर भैया आ जाइए आपको 2-4 इन्फॉर्मेशन देनी है एक ज़रूरी बात के लिए, इसलिए मतलब तैयार हो जाइए, मुझे लगता है बहुत बुखार खतरनाक काम होने वाला है, मैं इन्फॉर्मेशन लाऊँ जल्दी आ जाइए, फिर मेरे कहीं पर जाना है। मैंने बोला तो बड़ा जल्दी एमरजेंसी बुला रहा है, तो ठीक है चलिए भाई बुला रहा तो जा करके मिल लेते हैं, देखते हैं हमारा प्यारा सस्ता पार्टनर क्या बोलने वाला है मुझे। पहुंच चुको जगह पर, हमारा प्यारा देखो बंदा यहीं पर खड़ा हुआ है अपने प्यारे हेडक्वार्टर पर, फिलहाल अकेले ही मिलेगा मुझसे, इसके बंदे पीछे खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर आ गए मुझसे मिलने के लिए आगे की तरफ थोड़ा सा। हेलो जी मेरे प्यारे भाई जी, क्या लाए हो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मेरे को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया इतनी दूर, फोन वोन पे बता दिया करो, ये फोन हैक करके रखते बंदे आपका, कहीं बोल रहा है बंदा, ये बोल रहा है कि ड्राइवर सर फोन का कोई भरोसा नहीं है,
कोई मेरी बातें सुन रहा हूँ, मेरे को पता भी ना हो फिर क्या कर लोगे आप, दोनों ही फंस जाएंगे। मैंने बोला समझदार तो है, अच्छा बोल क्यों बुलाया। तो फिर इसने बताया कि ट्रेर भाई ये जो हेल का बोस है, इससे रिसेंटली मेरी दोस्ती हुई है, इसने मुझे फायदे के काम दिए तो मैंने इससे दोस्ती करी, बट देखो आप अब मुझे परेशान कर रहे हो तो आपकी हेल्प करनी पड़ रही है, मजबूरी है। मैंने बोला काम की बात बोल, बोल रहा है ट्रेवर सर ये बंदा ना कुछ दिन बाद किसी से मिलवाने वाला है, मुझे बहुत खूंखार बंदा है वो, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले कि वो इतना खूंखार है कि वो तो बहुत खतरनाक काम होएगा, जब वो मीटिंग होगी तो आपको बता दूंगा, बस प्लीज मुझे सेफ रखिएगा। मैंने बोला चिंता मत कर तो सेफ रहेगा। वैसे हेल के बॉस अगर पता लग गया कि ये सारी लीक कर रहा है इन्फॉर्मेशन मेरे को तो ये बंदा उसको मार देगा, इसलिए मेरे को इसकी सेफ्टी रखनी पड़ेगी, नहीं तो भाई इसको भी तो मार देगा ना वो। वो तो भी सोच रहा है कि ये मेरा दुश्मन है एंड ये बंदे इस चीज़ का काम करते हैं ब्लैक मैजिक टाइप के, तो इसलिए इसको दोस्त बना के रखा हुआ है, बट अगर उसको पता लगा तो उसी पल ये बंदा खत्म। चलिए एक काम करते हैं, मुझे लगता है कॉफिन चुरा लेना चाहिए, देखते मेरे बंदे ने चुराया नहीं चुराया। मेरे बंदे पहुँचने वाले थे वहाँ पर एंड मेरे को बोला गया था कि ड्राइवर साहब जल्दी सारा सारा काम करने वाले हैं, आप कह दो विक्टर की बॉडी मेरे को मिली है, वही विक्टर याद करिए भूलना मत, बहुत बुखार इंसान था वो। तो वापस पहुँचता हूँ अपने चर्च पर, मेरा चर्च इधर ही पड़ने वाली है ट्रेवर भैया, ऊपर से देख लीजिए, ऊपर से दिख जाती है आसानी से, तो आराम से लैंड कर सकते हैं। तो वो रही भाई मेरे को ऊपर से प्योर चर्च बिल्कुल परफेक्ट दिख गई है, ये रही चर्च एंड जल्दी से लैंड करे बात करे। बंदे आए थे कॉफिन्स को लेकर के जाने के लिए, ये रहे मेरे बंदे साहब सर वोल्ट के बाहर खड़े हुए, बंदे बोल रहे कि ट्रेवर सर कोई भी नहीं है इसमें तो खाली पड़ा हुआ है। यार इतनी जल्दी से बंदे ने, कुछ घंटे तो है, मैंने इनको बोलता दिया था हैंड टू हैंड, दो तीन घंटे उस बात को, दो तीन घंटे बंदों ने सारा एरिया साफ कर दिया, चालू बंदे। चलो ठीक है चिंता मत करो मैं देख लूँगा, तुम लोग जाओ। तो यार फिलहाल वो कॉफिन्स तो गायब हो गए यार, जो हम लोग ले करके मतलब कि जाना चाह रहा था मैं, पर पहली बात तो मेरे को यही समझ नहीं आई वो बॉडी हमारे वहाँ से गायब कैसे हो गई, ऊपर से यार ये बंदा इस बॉडी से कर क्या रहा है, ये तो ऐसे रख के रखे होगी उसका दोस्त था, एक तो ये वजह हो सकती है, फिर भाई देखो कुछ और भी वजह हो सकती है, पक्का बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। तो ठीक है ड्राइवर भैया निकलिए जल्दी से जगह पर, देखते क्या होने वाला। सैम भैया से मिलने आया हूँ मैं, सैम का फ़ोन आया था, बोला कि ड्राइवर तुझसे मिलना है। मैंने बोला क्यों क्या हो गया भाई, कभी ड्राइवर से मिला नहीं। बोल रहा है बड़े दिन हो गए मेरे भाई को देखे हुए, तेरे को मारूंगा ड्राइवर ऐसा के तू कभी सोच नहीं पाएगा, फिलहाल बस तेरी याद आ रही थी। बोलो रामे इसलिए एक्टिंग दिखा रहा है, बोल रहा है कि ड्राइवर तेरे को बेवकूफ़ बनाते हुए देख रहे हैं मज़ा आता है, तू कैसे परेशान घूमता है हमको पकड़ने के लिए, तेरा दोस्त भी हमने तुझसे छीन लिया, माइकल सर भी हमारे साथ में है, तेरा वो एक पैर वाला लेस्टर वो भी हमारे साथ में है, तू तो अकेला रह गया रे, चिंता मत कर बहुत जल्दी तेरी घर पे जो फ्रेंड आई है नहीं उसको भी मारूंगा, अलीना को भी लेकर के जाऊंगा और उसके बाद तू देख रहा तेरे साथ क्या करूंगा। मतलब ये बहुत गुस्से में, मुझे लगता है डॉगी रखना कैंसिल भाई, ये बंदा कुछ भी कर देगा, नहीं तो पता लगे नया डॉगी खरीदते ही रात को लेकर उसको काट डाला, बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए सैम जब तक जिंदा है ये काम मेरे को नहीं करना चाहिए, फिलहाल सैम के बंदे छोड़ो इनके मारे क्या मिलेगा, बट पॉइंट यही है सैम यार क्या करूँ, अब मैं इसको मार भी नहीं सकता, मजबूर हो गया, इसको मार सकते थे माइकल ने परेशान कर दिया। चलिए निकलते यहाँ से, कि माइकल भैया ने दो बार इसको आकर के मौके पे चौका मार के बचा लिया। पहुँच चुका हूँ जगह पर, हमारे प्यारे भाई देखो कैसे प्यार से खड़े हुए हैं, मेरे प्यारे भाई हो कैसे हो क्या हाल चाल है, कुछ इन्फॉर्मेशन हुई थी कुछ बंदों की तो मैं पास में से जा रहा था उड़ता हुआ, तो सोचा यहाँ पर लैंडिंग करके इन बंदों को सुरा डालता हूँ। तो भाई कितनी गोली लग सकती है इन बंदों के लिए, 19 गोली बची है, कोशिश करेंगे इनको एक गोली मारे, तो चलिए एक काम करते हैं बिल्कुल बीच में मार के ट्राई करेंगे, देखते एक गोली में सारे बंदे मर सकते हैं नहीं मर सकते। ड्राइवर भैया यहाँ पे चलाओ, ओके तो भाई ना एक गोली में नहीं मरेंगे, जो ऊपर गिरे ना ये बंदे बच जाएंगे, उड़ते जो बंदे ना वो बंदे बच जाते हैं, जो जल जाते हैं वो तो बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बट जो ऊपर से गिरते थे बच गए ना, क्या बच गए, दो गोली लगी है, देखते दो गोली में सारे सारे बंदे खत्म हुए नहीं हुए, दो गोली तो होनी चाहिए यार, दो गोली एंड एरिया खाली, अबे अभी भी नहीं मरा, अरे हद हो गई भाई साहब, अबे कौन सा बिस्किट खा के रखा तुम नशे का। ठीक है भाई अभी लगभग सारे बंदे, अरे यार प्लेन के साथ क्या हुआ, अरे मेरी एलियन प्लेन के से भाई पब्लिक प्लेन खत्म, अरे भाई साहब रे भैया जरा फटाफट से प्लेन को बचाने की कोशिश कीजिए, बट मैं कोई आयरन मैन नहीं हूँ मैं सिर्फ देख सकता हूँ, अरे यार ये प्लेन का मेरे को दुख है कि मेरी वजह से एक प्लेन क्रैश हो गया भैया, अरे भैया अब क्या होगा, अरे एलियन गन का बड़ा दूर तक इम्पैक्ट जाता है एंड लो बेचारा पब्लिक प्लेन पाताल में, बड़ा दुख है। हेलो भैया होश में हो या निकल गए, पब्लिक प्लेन पता नहीं इधर ही गिरा यार, देखा तो मैंने सीधा पानी में इधर गिरता हुआ देखा था मैंने, अब पता नहीं कहाँ पर निकल गया, फिलहाल भाई बुरा हुआ बुरा हुआ। एलियन गन से यार देखो बहुत आम बात है, अगर आप किसी पब्लिक प्लेन के पास जो ऊपर जा रहा है बहुत दूर भी हो ना, अगर एलियन गन लगाते हो यूज़ करते हो तो उस तक इम्पैक्ट जाता है एंड बैलेंस बिगड़ता है पायलट का, एंड भैया ही भैया पता नहीं क्या हो गया इस बेचारे के साथ, दिख भी नहीं रहा पता नहीं कहाँ में निकल गया। चलिए खैर अब क्या कर सकते, मैंने कोशिश तो करी कि भाई कुछ नुकसान ना हो, बट मतलब कि मैंने चाहा नहीं था ये हो, बट हो गया, बड़ा काला काला सा पानी लग रहा है भाई, अब देख रहे हो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक ब्लैक,
चलिए हाँ खैर रात में तो ऐसा हो जाता है, आगे निकल। हाईवे पर फिर से आ चुका हूँ एंड नजारा देख लिया। लैंडिंग आप भी देख लीजिए। माइकल इतना गुस्सा यार, मतलब हद हो गई है, बात समझ नहीं आ रही। अभी तक इतना गुस्सा उसने कभी भी नहीं करा। मैंने भी जब मतलब कि उनके बंदों को मारा, बहुत सारे मैंने काम के, तब भी माइकल इतना गुस्सा नहीं कर रहा था। आज यार जब से उसको रोजा ने तोड़ा है, इतना गुस्सा, मेरे बंदों को मारे जा रहा है हर जगह पर, हर जगह पर। ये क्या कर क्या रहा है माइकल यार, पागल हो गया है क्या? सही है यार, इस बंदे का अलग ही लेवल चल रहा है। चलिए ठीक है भाई, अभी एक काम करते हैं, दूर वाले उसी टेम्पल पर निकलते हैं, क्योंकि यार ये बंदा कुछ तो कर रहा है यार, कुछ तो ऐसी चीज़ कर रहा है जो मुझे लगता है मेरे को बहुत नुकसान देने वाली है। अरे भैया वो कहते हैं कमर कस लो, क्योंकि कुछ तो बड़ा काम कर रहा है। हेल्क बोल, वो अभी खुल के हमारे सामने आया नहीं, जब आएगा तो तब देख लीजिएगा। मतलब कुछ तो ही कर रहा है, खाली नहीं बैठा नमूना, पता लग जाएगा। पहुँच गया हूँ जगह पर, देख रहे हो आप। फिलहाल हमारा प्यारा भाई, ये तब भी लग रहा था कि अभी भी आग में बैठा हुआ है, ऐसी अपनी शक्तियों को डबल कर रहा है, क्या कर रहा है। सीधी बात है, हल्का बंदा, आग से इसको कुछ होने वाला है ही नहीं, जो भी हो रहा तो कर ले। हमारी जगह पे, खानदानी जगह है ट्रेवल की, आपको पता ही होगी, हमारी जगह पे आकर के बैठ करके मजे ले रहा है, बताओ कमाल कर रहा है। देख लूँगा तेरे को तो, मैं देखा, मैं कुछ कर नहीं सकता भी। मैं बार बार इसलिए यहाँ पर आके चेक कर रहा हूँ कि यार एक कमाल लग रहा है। इतना ज़्यादा ध्यान तो कोई और लगाता ही नहीं ना, इतना तो प्रेडेटर बाबा भी ध्यान नहीं लगाते जल्दी से। अबे तू इतनी लगा रहा है यार, ये चीज़ क्या हो रहा है यार? अब क्या तो शायद से शेडो है, फिर क्या है, आग से कुछ तो हो रहा है। ये वही पोर्टल, आप क्या, बहुत टाइम पहले पोर्टल के बारे में मेरे को पता लगा था, बहुत पुरानी बात हो गई है, बट तब से क्यों हमारे यूज़ में आया नहीं, क्योंकि हमें प्रेडेटर बाबा ने कुछ बताया नहीं, धोखा देते हैं ना वो। तो कुछ तो है इस पोर्टल के साथ में, कहीं इस पोर्टल को एक्टिवेट करना है तो नहीं चाह रहा है नमूना। मेरे दुश्मन बहुत आगे का सोचते हैं, जिधर मैं सोचता भी नहीं हूँ। नज़र रखते हैं, बोलता अलीना से, क्या अलीना देख ये क्या चल रहा है। बहुत पुराना एक पोर्टल हम लोगों को टेम्पल में मिला था, जो कि रॉबर्ट फिलिप्स ने खुदाई करके ढूंढा था, आपको याद होगा, जो कि प्रेडेटर ने हेल्प करी थी, बहुत पुरानी बात है। तो ये चीज़ आज कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही है, चमक रही है, जैसे खुल गई हो। देखते हैं, अलीना देख लेगी, वो संभाल लेगी। माइकल भैया के तो यार क्या ही होने, स्वैग कम नहीं होने वाले। माइकल भैया जी ने लेस्टर को उड़ा डाला, मतलब लेस्टर की फैक्ट्री को उड़ा डाला। लेस्टर ही एक तरीके से, वो भी लेस्टर बहुत रहता है, उसकी फैक्ट्री खत्म हो जाती है। बता देखो माइकल ने लेस्टर की फैक्ट्री उड़ा दी है ना, और लेस्टर हंस रहा होगा, देख रहे हो कितना बुरा वक्त आ चुका है। नहीं तो लेस्टर बहुत रोता है, ट्रेवर मेरी फैक्ट्री उड़ा दी बंदों ने, आज दुश्मन के गैंग में ज्वाइन करके बैठा है और अपनी फैक्ट्री ब्लास्ट करने पे हंस रहा होगा, देखो ट्रेवर के दोस्त का नुकसान कर दिया। अबे नमूने लेस्टर तू ही तो है वो जिसका नुकसान हो गया, तो समझाया भैया तुझे। अरे भैया ये क्या चीज़ है, अगर ऐसे करके देखो तो कितना खतरनाक सी लगता है ना। सही है यार, ये ना एक तरीके से पूरा अमेजिंग ऐसे, ये लो वो सही है यार। मैं सोच रहा हूँ भैया ठीक से उड़ा ले, कभी ऊपर लग रहा है, कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, सही है यार अमेजिंग। देख रहे हो आग कैसे होती है, चलिए ठीक है, काफ़ी मजे ले लिए, आगे निकल। देख कर बुरा लगा, लेस्टर भैया की फैक्ट्री तो बहुत बड़ा बॉम्ब रख के उड़ाई यार। मैंने सोचा कोई छोटा मोटा ब्लास्ट किया होगा, ये ब्लास्ट तो बहुत दूर तक जा रहा है। अबे लेस्टर कौन सा बम डाल दिया तेरी फैक्ट्री पे, और तू तो हंस रहा है नमूनों के सरदार, हंस रहा होगा गारंटी से, देखो ट्रेयर के दोस्त का नुकसान कर दिया। अरे यार कौन से नेता ने बोला था ये काम करने के लिए, एक काम मेरा ऐसा बढ़ा दिया, ऐसा बढ़ा दिया, क्या बोले। ठीक है चले निकलते हैं यहाँ से, क्या कर सकते हैं। देखो ये अपने हाथ पे नहीं ना, वो मिल नहीं रहा मुझे, जब भी मैं जाता हूँ जिस भी अटैक की जगह वहाँ से भाग जाता है, अगर वहीं पर खड़ा रहे ना तो मेरे को मिल भी जाए, बट मिलने से हो क्या बुलाने, तब भी मेरे को मास्टर जेड को पड़ेगा फिर बाकी और बंदों को माइकल को मारने के लिए आज की डेट में। तो माइकल थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, बट ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। माइकल कबर तोड़ने का तरीका मेरे को मिलने वाला जल्दी। प्रेसिडेंट भैया का फोन आया, सीधी बात है भाई, शहर में इतने मर्डर्स हो रहे हैं, ब्लास्ट से ब्लास्ट हो रहे हैं, तो आएगा ही फोन। देख लो कितना तगड़ा ब्लास्ट है लेस्टर की फैक्ट्री पर, वो लेस्टर की फैक्ट्री है भाई, बहुत दूर तक ब्लास्ट कर दिया नमूनों ने। चलिए ठीक है ट्रेवर भैया, ज़रा फटाफट से निकलिए अपनी गाड़ी को लेकर के, लेट बिल्कुल मत कीजिए। तो प्रेजेंट भैया उधर ही मिलने वाले हैं, एंड उसके बाद में उनसे बातें करते दो चार, देखते हैं क्यों बुला रहे हैं, क्या पर वजह हो गई है, क्या हिसाब है। पहुँच ट्रेवर भाई, बहुत जल्दी से पहुँच। प्रेजेंट भैया से बात हो गई है, बोल रहे ट्रेवर यार क्या चल रहा है, तेरे बहुत सारे बंदे मर रहे हैं, कोई वजह हो गई है क्या। मैंने बोला, मैंने बोला कि भाई मेरे को तुम अच्छे लगते जीते हुए, गोली खाओ मर जाओ, ये बोल रहा ट्रेवर मजाक ने। मैंने बोला कि मुझे क्या पता यार, एक मेरा बंदा है दोस्त माइकल वो मारे जा रहा है, तो चिंता मत कर, मेरे वैसे सर में दर्द है, मैं देख लूँगा। बट फिर भी मैंने बोला चलो थैंक यू, तेरे को चिंता है मेरी, मेरे को खुशी मिली कि तूने हालचाल पूछने के लिए बुलाया, सिर्फ अच्छी बात है यार, आज की डेट में कोई बंदा हालचाल पूछ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आजकल बड़ा मतलबी वाला ज़माना है, लोग मतलबी होते हैं, अपना काम निकाल के लात मार देते हैं। बट फिर भी इसे मुझे बुलाया तो अच्छा लगा। निकलते हैं अभी, ज़रा मेरे को बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है। फायर भैया का फ़ोन आया है, फायर भैया बुला रहे हैं, आते वाते नहीं है, मुझे थकाते रहते हैं। अरे तुम मैं पावर टेलीपोर्ट करने के, मेरे पास तुरंत आ जाया करो, बट नहीं, ट्रेवर को उड़ने वाली पावर मिल गई, तब से सोचते ट्रेवर खुद आएगा।
फायर भैया बोल रहे हैं ट्रेयर भाई अगला मैं हूँ, इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाया हूँ, अगला शिकार मैं हूँ आपके दुश्मनों का, मुझे सबसे पहले मारेंगे ये। मैंने बोला फायर फिर तो बड़ी खुशी की बात है, चल ठीक है, हैप्पी डेथ डे टू यू। मैंने तो ये बोल दिया, अब क्या बोले यार, तू जब डेथ करेगा मेरे को बता देना, मैं आ जाऊँगा मिलने के लिए। हंसेगा ना बोला, बोलेगा ट्रेयर भाई मजे लेते हैं, अब क्या बोले, फायर कौन मारेगा ना बुंदे को, ये तो हंसा हंसा के मार देगा दुश्मन को, बेइज्जती कर करके मार देगा उसकी बेचारे की, क्योंकि आपको पता ही है फायर बहुत बेइज्जती करता है दुश्मनों की। ठीक है फायर संभाल लेगा, मैं जरा ओल्ड स्कूल पे निकलता हूँ, यहाँ पर हादसा हो गया। ट्रेयर भैया जरा लैंडिंग करा दीजिए। फिलहाल मैंने ओल्ड स्कूल का नज़र देख लिया भाई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे मर के रखे हुए हैं, मैंने दो चार जगह पर और निकलते देखते और कितने बंदे हैं, क्या हिसाब है, सारी सारी चीज़ें। चलिए ट्रेयर भैया, माइकल ने यार मतलब बहुत बुरा काम करके रखा है, आज के एपिसोड में माइकल ने खून चूस लिया, इतने बंदे मेरा जल्दी से कोई नहीं मारता जितना आज माइकल मार रहा है। और देखो मेरी वजह से इतना गुस्सा नहीं है, रोज़ा की वजह से, देखो ट्रेयर सोच रहा है मेरी वजह से मार रहा है, अब क्या ही बोले भैया, ये रोज़ा ने उसके साथ जो बुरा किया। अब सीधी सी बात है, बहादुर बन के ट्रेयर के घर में घुस के रोज़ा को मारने के लिए गया था, रोज़ा ने मारा उल्टे हाथ का फैल गया भाई भाई, वो तो अच्छी बात भाई ये है कि उस लड़की ने उसको जान से नहीं मारा, नहीं तो वो उसको अगर जान से ही मार देते तो क्या हो जाता, ड्राइवर क्या कर लेता, कुछ भी नहीं कर पाता। बस बाद में बोलती थी कि ड्राइवर सर मेरे को मारने के लिए आ रहा था, एंड मैंने तो कुछ भी नहीं, खुद ही मर गया, यही बोलती थी, मैं क्या कर लेता। तो अच्छी बात क्या है, उसने उसको जिंदा छोड़ दिया, बड़ा एहसान कर दिया। ठीक है ड्राइवर भैया जल्दी से जगह पर निकल, लेता बड़ा बंदों का, दो चार ही बंदे थे जंगल में, मैं उनको दी एंड करके आ चुका हूँ। चलिए जल्दी से भाई, टाइम नहीं है क्योंकि बंदे तो बहुत मारते रहते हैं, बंदे देखेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आगे निकलते क्योंकि अभी मैं ह्यूमन लैब में आया हूँ, यहाँ पे कुछ बंदों से बातें करनी है। आपको याद होगा सारे के सारे बंदे ह्यूमन लैब में छोड़ करके भाग गए थे क्योंकि भाई माइंड कंट्रोल वायरस, ये मत सोचिए मैं एपिसोड में आपको बताते नहीं उसके बारे में, तो वो खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा बंदों में फैल चुका है वो लॉस सैंटोस में, जल्दी आपको देखने को मिलेगा माइंड कंट्रोल वायरस की चीज़ें भी सारी सारी, क्योंकि अभी उसके ऊपर फोकस गया नहीं है ट्रेवल का, जब जाएगा तो आप देखेगा कितना बुरा हाल करके रखा उस वायरस ने, लॉस सैंटोस के कई घर तो बर्बाद हो चुके ऑलरेडी, मैं दिखाऊंगा आपको, फिलहाल अभी वहाँ तक स्टोरी पहुँची नहीं है, अब देखेगा माइंड कंट्रोल वायरस ने कितना बुरा हिसाब करके रखा है, इसलिए तो मैं उसको बहुत सीरियस लेता हूँ। ये तो गेट ही नहीं खुलता भाई, ये क्या हमें सीरियस ले रहे थेगा, आगे निकलता। मैं साइंटिस्ट से बात करके आया हूँ, देखो यहाँ पर मैंने अपने कुछ दोस्त साइंटिस्ट बुलाए बाहर से, एंड मैंने डेविड की भी हेल्प लिया, डेविड फिलहाल देखो अभी तो वो अपनी गैरेज में है, बट डेविड फिलहाल बोल रहा है ट्रेयर मैं आकर के काम करूंगा और देखते क्या होने वाला है। यहाँ पर कुछ बंदे ये बोल रहे हैं कि हमने कुछ नए साइंटिस्ट हायर किए ट्रेयर अलग अलग जगह से, बहुत पैसे वाले हैं, मैंने ना पैसे की कोई चिंता नहीं है, बट ऐसे ऐसे बंदे बुलाओ जिससे वायरस खत्म हो जाए, तो काम चल रहा है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है, साइंटिस्ट को बुला दिया गया है, एक दो दिन में आ जाएंगे, मैं उनको एयरपोर्ट पर ले जाऊंगा, फिर ह्यूमन लैब में उनसे काम करवाएंगे, डेविड उनका साथ देगा और डेविड अच्छी बात कर रोबोट है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो डेविड उनके साथ में पूरा रहेगा, एंड देखते फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। ये वायरस बहुत बुरा है, ये कोई ज़ॉम्बी वायरस नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये तो इस टाइप का है कि यार पूरा ब्रेन ही खत्म हो जाता है, खुद तो मरेगा ही बंदा, अपने घर वालों को भी मारेगा, फैमिली को मारेगा, पड़ोसी को मारेगा, अगर उसको रोकोगे तो अपने आप को मार देगा और फिर वायरस दूसरे में चला जाएगा, बड़ा डेंजरस चीज़ है यार माइंड कंट्रोल, मतलब समझ लो बंदा दी एंड, जिसके अंदर भी गया, ये फैल कैसे रहा है कोई नहीं जानता, सैम ने क्या किया है इसके साथ में, सैम नहीं फैलाया इसको ये भी तो पक्का नहीं यार, ये हमारा मानना है कि इस वाली माफिया ने इस चीज़ को लगाया है। ड्राइवर भैया घर के अंदर निकल गया, स्पीड में दिख भी रहा सही में, ओके भाई फिलहाल ये रहा मेरा प्यारा घर, तो ठीक है चलिए भाई मैं घर पर पहुंच चुका हूं, एंड बस अभी करने को ज़्यादा ड्राइवर के पास है नहीं, सब चीज़ हमारा काम चल रहा है, रही बात माइकल की, माइकल को करने दो जो करना है, उसको दिल खुश हो जाने दो, क्योंकि मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा, जब भी जाता हूँ गायब हो जाता है, तो इसलिए माइकल जो करता है उसको करते रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम अपना आ गए घर पर, रेस्ट करेंगे एंड कल की कल देखेंगे, तो कल जो भी है वो देख लेंगे। रही बात भाई मैंने आपको फिर बता दिया, बाकी आप कमेंट कीजिएगा कि एक डॉगी नया ले या ना ले, क्योंकि मेरे नज़र में एक डॉगी है बिल्कुल सेम हमारे डॉगी की तरह, मैंने कुछ दिन पहले देखा था, वो आके रखा है भाई अपने पेट शॉप पर, वहाँ से उसको चाहे तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके ज़्यादा एज भी नहीं है, एक साल का ही है, इतना ही बड़ा हो गया एक साल में, डॉगी आपको पता बहुत बड़े हो जाते हैं, बट एक साल की एज है उसकी, और आपको पता है डॉगी 12-13 साल जीते हैं आराम से, 15-15 भी हो जाते हैं बहुत बार, बहुत से लकी होते हैं तो 20 साल भी जी जाते हैं, वो किस्मत की बात है, बट 10 साल तक तो जिए गई, बट फिर भाई सैम मेरे दिमाग में आ जाता है, क्योंकि सैम में बुद्धि है थोड़ी कम, अगर मैं इसको घर पर लाया मेरे को प्यार हो ही जाएगा, एंड फिर सैम भाई बदला लेने के लिए मार देगा इसको, और ये कोई सुपर हीरो नहीं है कि अपने आप को बचा लेगा, ये तो मरेगा ही मरेगा यार, रोज़ा की अलग बात है वो तो बचा लेगी, वो कुछ अलग ही चीज़ है, बाकी बंदे सेफ्टी कर लेते हैं, ये बेचारा मासूम सा जानवर है कहाँ भागेगा, पैं करता रहेगा पूरा दिन और भागता रहेगा यहाँ और मर जाएगा, छुप जाएगा अपने घर में जाके, इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता बस, क्योंकि बेजबान जानवर है ना यार, जबान नहीं है बोल नहीं पाएगा, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो, बट फिर भी अगर सैम की चक्कर हट जाए तो एक बार को लेना सोच सकते हैं, देखते ट्राई करेंगे। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।